तो मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट मैच। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेस राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2020 के 54 मुकाबले के बारे में जो दुबई में खेला गया 1 नवंबर को। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहले पहुँच जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉस से टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और किया फील्डिंग का फैसला। केकेआर की तरफ से सुमन गिल, नीतीश राणा ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन सुमन गिल जो 24 बॉल 36 रन बनाए, 6 चौके बनाए, लेकिन नीतीश राणा जो है पहली बॉल पर आर्चर की बॉल पर सैमसन को कैच दे बैठे। राहुल त्रिपाठी ने 34 बॉल 39 रन बनाए जिसमें 4 चौके 2 छक्के शामिल थे। सुनील नारायण 2 बॉल में 0 रन बना के आउट हो गए राहुल तेवतिया की बॉल पर। मधुकर ने 35 बॉल में 68 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 1 में 0 और आंद्रे रसल 11 बॉल में 25 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और पैट कमिंस ने 11 बॉल में 15 रन बनाए, वहीं कमलेश नागर कोटी 1 बॉल में 1 रन बनाए। इस तरीके से पूरी टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 191 रन बना दिए और मैच को जो है वो अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि जब 190 स्वीप पर बन जाते हैं रन तो फिर चेस करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई सी बड़ी टीम हो और चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हो उसमें, चाहे 7-8 तक बैठेंगे हो चाहे 9 तक बैठेंगे हो, लेकिन आपकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि वो रन जो है वो ऐसा है कि 1-2 ओवर में रन नहीं आते हैं तो प्रेशर जो है वो रन रेट जो बढ़ता चला जाता है और वो रन रेट जो है वो प्रेशर आप हैंडल कर नहीं पाते हैं। इस वजह से 190 से ऊपर जितने रन बनते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं आप बॉलिंग साइड में हैं तो, क्योंकि उस तरीके से देखें तो इस वाले मैच में भी ऐसा ही हुआ। 191 रन जब कोलकाता में बनाए तो ऐसा लगा था कि शायद राजस्थान रॉयल्स कुछ शायद थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती है, क्योंकि बेन स्टोक्स हैं उनकी टीम में, स्टीव स्मिथ हैं और जॉस बटलर हैं, रोहन रॉबिन थप्पा हैं, तो थोड़ा बहुत लगा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बॉलिंग, सबसे पहले तो हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। राजस्थान ने सबसे जो बॉलिंग कराई, जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया। वरुण यादव ने 2 ओवर में 22 रन दिए। श्रेयस गोपाल तो बहुत महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 44 रन दिए। बेन स्टोक्स 3 ओवर में 40 रन दिए। राहुल तेवतिया 4 ओवर में 25 रन गए 3 विकेट और कार्तिक त्यागी 4 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेट लिए। इस तरीके से टारगेट मिला 192 का राजस्थान रॉयल्स को। उसकी तरफ से आए रॉबिन थप्पा, बेन स्टोक्स। रॉबिन थप्पा ने तो पहले ही गेंद पर छक्का मार दिया और दूसरी बॉल पर फिर आउट हो गए। फिर बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ आए नंबर 3 पर, लेकिन स्टीव स्मिथ पैट कमिंस से बोल्ड हो गए। संजू सैमसन 4 बॉल में 1 रन बनाया। जॉस बटलर ने 22 बॉल में 35 रन बनाए। थोड़ा संघर्ष कर रहे थे बटलर, अच्छा खेल लग रहे थे, लेकिन जब आप रन ज्यादा होते हैं और आप अकेले खिलाड़ी होते हैं कि जो आप स्ट्राइक कर सकते हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। रियान पराग ने 7 में 0 बनाए। राहुल तेवतिया ने 27 बॉल में 31 रन बनाए। श्रेयस गोपाल ने 23 में 23। जोफ्रा आर्चर ने 9 में 60, 9 में 6। कार्तिक त्यागी 3 में 2। वरुण यादव 8 बॉल में 0 रन बना गए। इस तरीके से 20 ओवर में 8 विकेट पर 131 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स की टीम और मैच को जो है 60 रन से 1-1 ने मैच जीत लिया और बहुत कन्विंसिंगली जीता, क्योंकि अगर 191 रन बनाते हैं तो आप समझते हैं कि कोई टीम 170-180 तो बनाएगी ही, क्योंकि वो 10-12 रन से आ जाएगी तो वो इतनी बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब आप 60 रन से जीते हैं वो भी इतने कन्विंसिंगली कि आपको 9 विकेट हो जाएं 20 ओवर में पूरे 131 रन ही बने, तो बहुत मुश्किल होता है। अब बैट बॉलिंग की हम बात करें के तरफ से, तो पैट कमिंस ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए। शिवम अवी ने 4 ओवर में 1 मेडन 15 रन और 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती ने तो अच्छी बॉलिंग कराई और 20 रन देकर 2 विकेट लिए 4 ओवर में। सुनील नारायण ने 1 विकेट मिला नहीं लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई। कमलेश नागर कोटे 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट। इस तरीके से कोलकाता ने ये मैच 60 रन से जीत लिया और मैच को अपने नाम कर लिया। तो यह था मेरा आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया केकेआर वर्सेस राजस्थान उसके बीच खेला गया आईपीएल 2020 के मुकाबले के बारे में। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।